भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसकी सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम लगभग 365 दिन में कम से कम 350 दिन चलते हैं। सदस्यता कार्यक्रम हमारा जो पूर्व में हुआ था उसमें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के 11 करोड़ सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में 1,86,00,000 सदस्य थे। 2 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदस्यता अभियान प्रारंभ किया। सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और सम्मानित हमारे 2 उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और पाठक जी सदस्य बने। हमारे सदस्यता अभियान में अब के जो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है वो 3 करोड़ है और इसी तरह से जिले वाइज लक्ष्य बांटा गया है। सदस्यता अभियान हमारा 2 सितंबर से शुरू हो के 25 सितंबर तक प्रथम चरण में रहेगा। द्वितीय चरण हमारा 1 अक्टूबर को प्रारंभ होगा जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। 16 अक्टूबर से हमारा 15 दिन के लिए सक्रिय सदस्य के चुनाव का समय होगा। अलीगढ़ जिले में संगठन की दृष्टि से हमारे जिले में जिसमें हमारे 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, सदस्यता का लक्ष्य 5,00,000 रखा गया है क्योंकि 2,244 हमारे बूथ हैं और हमारे प्रत्येक बूथ पे 200 मेंबर बनाने अनिवार्य है। इसी तरह से शहर में हमारा जो लक्ष्य रखा गया है जिसमें 2 विधानसभाएं, उसमें लक्ष्य 2,50,000 का रखा गया है। वैसे तो हमारे लगभग 1,300 बूथ हैं लेकिन शहर का जो लक्ष्य रखा है 200 की बजाय 300 की सदस्यता का रखा है। प्रत्येक बूथ में जिस बूथ में हमारे 100 सदस्य होंगे सक्रिय सदस्य का चुनाव केवल उन्हीं बूथ में होगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां बेंच पे रात गुजारने वाला व्यक्ति और चाय बेचने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बनता है। अन्य पार्टियां आज भी राजतंत्र की तरह परिवारवाद पर चलती हैं, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता को अपने परिश्रम और मेहनत पर यह भरोसा होता है कि एक दिन निश्चित रूप से उसकी मेहनत का फल उसे जरूर पार्टी में मिलेगा। पार्टी में बहुत उत्साह है, निश्चित रूप से 7,50,000 सदस्य का जो लक्ष्य हमारे जिले और शहर लोगों को मिला है उससे ज़्यादा सदस्य हमारे बनेंगे। मैं इतना ही कह सकता हूँ, हमारा कार्यकर्ता ये मान के चलता है कि आज जो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो पूर्व में आज़ादी के बाद जनसंघ के रूप में थे, जनता पार्टी के रूप में है, 77 में है,
निकल के आई। जनता पार्टी के विघटन के बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। अटल जी ने जब हमारे दो एमपी थे तब श्रद्धेय अटल जी ने कहा था कि एक दिन वो होगा जो समस्त देश की पार्टियां मिलकर हमारा सामना करेंगी। जिस दिन समस्त विपक्ष की पार्टियां मिलकर हमारा सामना करेंगी उस दिन समझिए एक भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत सत्ताधारी पार्टी है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की 2014 में वो लक्ष्य प्राप्त किया और उसको और मजबूत करने के लिए वो उत्साह से सदस्यता कार्यक्रम करेंगे। सर 40 लाख सदस्य बनाएंगे इसमें जितने मुसलमानों का प्रतिशत रहेगा कितने मुसलमानों का भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे? देखिए हमारे हम तो कभी ये भेदभाव करते ही नहीं। हम ये कभी भेदभाव नहीं करते। हमारे यहाँ तो हमारी सरकार राशन सबको दे रही है जो गरीब है चाहे वो किसी जाति का है किसी जाति का है। सदस्यता कभी जाति के हिसाब से नहीं दी जाती। इसे भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में विश्वास है। इसे मोदी जी के योगी जी के कायदों में विश्वास है। वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेगा चाहे वो किसी जाति का हो चाहे किसी जाति का। जिस तरह से वो लोग पीडीए का प्रचार कर रहे हैं तो पीडीए से लड़ने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? देखिए मैं अनुरोध करूंगा हमेशा नीम हकीम खतरे जान जिनका अल्प ज्ञान होता है। आज तो 29,000 फीट की ऊंचाई हमारा जवान खड़ा है और हमारी बेटी खड़ी है रायपुर में। क्या वो कभी ये सोचती है कि मैं अलीगढ़ की रहने वाली हूँ मर तो नेपाली रहा है मुझे क्या मतलब है? मर तो पहाड़ी रहा है मुझे क्या मतलब है? मैं ठाकुर हूँ मर तो जाट रहा है मुझे क्या मतलब है? मैं जाट हूँ मर तो पंडित रहा है मुझे क्या मतलब है? देश सर्वोपरि है। यदि ये भावना होती तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान साथ साथ फांसी में झूलते। भारतवर्ष में पैदा होने वाला एक बच्चा भारतवासी है। राष्ट्र के विकास के लिए राष्ट्र की रक्षा के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हम सब हिंदुस्तानी भारत माता के भाग्य में जिसने जन्म लिया है उनका ये परम कर्तव्य है। इन बातों पे मैं मानता हूँ हमारी जातवाद की व्यवस्था है हमारे देश में। हम आज भी पंडितों में बैठ चुके हमारी श्रद्धा है लेकिन इसका प्रयोग हम यदि हम हर जगह करेंगे तो निश्चित रूप से यही तो कारण हुआ हिंदुस्तान को कभी कोई दुनिया में गुलाम नहीं कर सकता था। जब पानीपत के युद्ध में जाट और ठाकुरों में अन्य यादवों में गुजरों में जब ये फूट डाल दी इधर शासन तो केवल ठाकुरों का है तुम्हारा क्या है तो और जातियाँ हट गई अकेले हे राजपूत रह गए और इसीलिए देश गुलाम हो गए। देश कभी गुलाम होता ही नहीं। इसलिए जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 में भारत सबसे शक्तिशाली और सबसे संपन्न देश बनाना है इसलिए राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। यूपी में जातीय जनगणना के पक्ष में है। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जनगणना तो प्रत्येक की होती है जनगणना में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यदि हम जनगणना का प्रयोग देश हित में और देश को विखंडित देश के अहित में और देश को विखंडित करने में करेंगे तो ऐसी जनगणना तो देश के लिए घातक होगी। मैंने बताया ना जब हम जातियों में बंटे तभी तो हम गुलाम बन गए और जब हमारे समस्त जातियाँ एक हो गए सीना तान के खड़े हो गए तब इंग्लैंड तक लोगों ने हमारे अमर शहीदों ने उनको और मारा तो आज हम आजाद हैं। इसलिए देश सर्वोपरि है। मंत्री जी बुलडोजर की बात अभी तक भाजपा करती थी कार्रवाइयाँ भी करती थी अब
समाजवादी पार्टी भी बुलडोजर की बात कर रही है, कह रही है कि उसका रुख गोरखपुर की तरफ मोड़ा जाए। देखिए, जब दीपक बुझता है तो उसकी लौ बहुत तेज होती है। समाजवादी पार्टी का दीपक बुझने वाला है, इसलिए इस चुनाव में उसकी लौ तेज है। ये उनका कभी भी ये सोचा जाता है, आदरणीय योगी जी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं इटावा की तरफ को बुलडोजर चलाऊंगा, उन्होंने तो कभी नहीं कहा मैं आजमगढ़ में चलाऊंगा। अरे आतताई जिन्होंने गरीबों की जमीनों पर कब्जे किए हैं, जिन्होंने अनाथ बना दिए लोग, भाई क्राइम को यही तो देखा जाता है कि सत्ता पे बैठा हुआ आदमी अपराधी को शरण देता है या अपराधी को दंड देता है। आदरणीय योगी जी ने अपराधियों को दंड देने की व्यवस्था बनाई। एक कोई एक उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन किसी भी भले आदमी के घर में कोई बुलडोजर चला हो, किसी निर्दोष आदमी के घर में बुलडोजर चला हो, लेकिन जब गरीबों की जमीन को छीन छीन के आप यूनिवर्सिटियां बनाएंगे, आप महल खड़े करेंगे, तो सत्ताधारी पार्टी का और सत्ता में रहने वाले लोगों का तो ये परम कर्तव्य है। अरे दैविक दैहिक भौतिकता पर रामराज क्या हो गई व्यापार, हम तो उस पे चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो उस लाइन पे चल रही है भाई। अब वो यदि ये कहें, मैं तो इतना ही कहूँगा, हमारे यहाँ बरसाना में रोप वे बना है, समाजवादी पार्टी के लोग लाल टोपी लगा के कह रहे थे कि अखिलेश जी को बधाई है कि उन्होंने कल्पना की थी बरसाने में जब रोप वे लगे। मुझे मीडिया वालों ने पूछा कि रोप वे की बधाई तो समाजवादी पार्टी अखिलेश जी को दे रही है, मैंने कहा मैं भी अखिलेश जी को बधाई देता हूँ, यदि वो 5 साल मुख्यमंत्री ही का कार्य इस तरह न करते तो आदरणीय योगी जी आज मुख्यमंत्री कैसे बनते। मैं भी बधाई दे रहा हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे कारनामे बारे से 2000 तक किए, जो 17 तक किए, इसलिए है मुख्यमंत्री बने, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ। इस तरह की बातें करना, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो व्यक्ति रहा हो, इतनी हल्की ही बातें उनको करना, गोरखपुर की तरफ मुंह होगा। अरे जनता ने इसलिए तो तुम्हें नकार रखा है, तुम्हारी यही तो करतूत है, सबको मालूम है कि ये वही समाजवादी पार्टी है जो बोनट पे डीएसपी को खड़ा करके पूरे लखनऊ में घुमाया करती है, वही समाजवादी पार्टी है जिसने तुम्हारे थाने में मंत्री को चाटा मारा कानपुर, वही समाजवादी पार्टी है जो मंत्रियों की कोठी में बैठ कर फिरौती के सौदे हुआ करती है, वही समाजवादी पार्टी है जो मेरिट लिस्ट की बजाय रेट लिस्ट टंगा करती है, वही समाजवादी पार्टी। आज मायावती ने भी कहा है कि बुलडोजर की राजनीति खत्म करके योगी जी को जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति बनानी चाहिए। जंगली जानवरों से निपटने की रणनीति तो बन रही है, तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी, लेकिन आप ये भी अच्छी तरह से जान लीजिए कि जो भी इस तरह के नरभक्षी हो गए को तलाश करके मारने के लिए आपने बाकी जीवों की रक्षा करना बहराइच के अंदर 13 बच्चे अब तक, हाँ बिल्कुल निश्चित, उसको तलाश करने के लिए पूरी तरह से हमारी टीम ने मदरसे में नकली नोट छपते प्रयागराज मदरसे में नकली नोट छपते हुए मिले पकड़े गए लगातार, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये नकली नोटों की वजह से तो मोदी जी ने नोटबंदी की थी, ये पहले से इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, लेकिन जो हमारे देश ऐसे हैं जो हमारी इकोनॉमी को नुकसान करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था को नुकसान करना चाहते हैं, इसीलिए तो नोटबंदी की गई थी। अब जहाँ जहाँ भी इस तरह के कारनामे हैं, अब उसे आदमी दूसरी तरह से ले जाता है। अरे भाई नकली नोट किसी
किसी के घर में छपे या मदरसे में छपे हैं वो हर व्यक्ति दोषी है, चाहे वो किसी जाति का है, किसी धर्म का है, कोई भी स्थल है। हाँ, इसके बाद मंत्री जी, मंत्री जी काउंटर हुआ सुप्रीम कोर्ट का जी कांड हुआ था, उसमें जो है जाति देख कर इनकाउंटर किया जा रहा है। मंत्री नकली नोट मदर से, यदि आप ये बात, मैं अभी एक उदाहरण दे रहा हूँ, आगरा के इनकाउंटर आप देखेंगे, मथुरा में अभी दो तीन लड़कों ने एक सीमेंट विक्रेता तो उसी से सीमेंट खरीदा 2.5 लाख रुपये, उनको ही कहीं से पेमेंट होना था और वो ये मालूम था और उन्होंने उस जवान लड़के की हत्या की। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में उनके गोली लगी है, जो लूट करने वाले हत्यारे थे, फिर जाके देखो जात है एक बदला है। अरे भाई बदमाश की जात तो बदमाश होती है, उनकी कोई जाति और धर्म नहीं है, उनकी तो लग जाती है। अखिलेश को ये क्या नजर आ रहा है, अखिलेश यादव को? अब उनको तो नजर, उनकी नजर की तो मैं क्या कह सकता हूँ, उन्हें तो यादव के नाम पर, पीढ़ी के नाम पर केवल अपना परिवार नजर आता है। 5 यादवों के अलावा उनके परिवार के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई यादव योग्य नहीं है। एक ही जिले के 8 MP हैं, 5 उनके परिवार के MP हैं, 6 रामगोपाल जी के MP हैं, 7 वो शाज्य एका से MP है और 8 उनका 8 एक हमारी एक पहला है राज्यसभा MP, 8 MP हैं एक जिले। तो उन्हें तो सैफई और इटावा के अलावा ना कोई प्रदेश नजर आता है, ना देश नजर आता है, ना अपने परिवार के अलावा कोई मीडिया नजर आता है। एक मंत्री सवाल ये है कि जो मदरसे में कार्रवाई हुई है, मदरसे में जो कार्रवाई हुई वहाँ एक किताब मिली जिसमें RSS को आतंकवादी संगठन बताया गया है। कल मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि मैं दावे से कहता हूँ कि RSS आतंकवादी संगठन है। मैं मौलाना के बारे में क्या कहूँ, पूरा देश का उनकी तो इसी तरह की तकलीफ हमेशा रहती है। आज RSS दुनिया का एक बहुत मजबूत संगठन है जो करा सकती है, किसी भी संगठन के लिए इस तरह की बात है। क्या लगता है इसके पीछे? मैंने कहा ना उनकी मांग को नहीं चले तो वो तो हमें निकालने की मांग तो करेंगे। आप अच्छी तरह से बजरंगी दल सैनिकों को कोई भी बैन करेगा, उनके करने से यदि बैन होता कांग्रेस की जब वो बैन कर लेते, उनके करने से यदि बैन हो तो वो जनता में जाके कहें हम बैन करना चाहते हैं, वो कमें तो सरकार बना लेते। राहुल गांधी जी का एक बयान आया है कि अगर उनकी सरकार आती है कश्मीर के अंदर 370 को बहाल करेंगे, क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने आज तक भी जवाब दिया ही नहीं। जब मीडिया वालों ने पूछते हैं कि आप 370 बहाल के बोली क्या आप लेकिन उस बंदानी नौजवान के बच्चे कश्मीर में नहीं पढ़ेंगे, यही चाहते हैं राहुल गांधी? कश्मीर की जनता को आर्थिक सहायता के लिए अलीगढ़ के यहाँ से पैसा जाएगा, लेकिन अलीगढ़ के किसी व्यक्ति को वहाँ अपनी सर्विस दिलवाने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, यही चाहते हैं राहुल गांधी? ये कैसे हो सकता है?
मेरी राज में तो हुआ, किसी और के में थोड़ा हुआ। जो नौकर थे वही मालिक बन गए, और मालिक उनकी ही बहन बेटियों की इज्जत भी नहीं बचा पाए। आज आज कश्मीर का प्रत्येक आदमी स्वतंत्र होता है, आज पहली बार स्वतंत्रता से वो वोट डाल रहे हैं। वो वहाँ की जनता को निर्णय करना है, सत्र को बंद करके समर्थन करना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है।